दोस्तों, अगर पृथ्वी पर खाने को कुछ ना बचे तो क्या इंसान जिंदा रह पाएंगे? आज देश की अर्थव्यवस्था काफी डाउन हो गई है। पेट्रोल और खाने की चीजों का दाम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। 40 रुपए किलो टमाटर दे रहे हो, 20 रुपए किलो में तो जहर भी मिल जाता है। जगह जगह पर आंदोलन और प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इलेक्शन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पृथ्वी पर कुछ ऐसे इंसान भी हैं जिन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे महंगाई कितनी भी हो या खाने को कुछ रहे या ना रहे, तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही शख्स के बारे में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ये हैं भारत में रहने वाले पाकिरप्पा होनागंडी। इन्हें खाने में बस ईंटें चाहिए। इन्हें हम आम इंसानों की तरह रोटी सब्जी की जरूरत नहीं। ये जब 10 साल के थे तब से मिट्टी और ईंटें खा रहे हैं। उन्हें इन खाने में सारे चीजें मिल जाती है जो उनके शरीर को चाहिए। इनसे मिलिए। ये है कोलोराडो की कैरी। इन्हें मूत्र पीना पसंद है। इन्होंने तो अपना कैंसर तक इसे ठीक कर लिया है। ये तो अपना चेहरे को धोने, ब्रश करने, शरीर में लगाने के लिए अपने मूत्र का इस्तेमाल करती हैं। इनका निखारपन भी लाजवाब है। आपको ये डब साबुन भी नहीं दे सकती। नताशा, जो कि कैलिफोर्निया की रहने वाली है, इन्हें मुल्तानी मिट्टी खाना पसंद है। ये साल में लगभग आधे टन से भी ज़्यादा मिट्टी खा जाती हैं। इनका कहना है कि उन्हें मुल्तानी मिट्टी में वही एहसास होता है जो बारिश के बाद की मिट्टी में होता है। हैरानी की बात तो ये है कि जिसे खाकर हम आम लोग बीमार पड़ जाते हैं, इनके लिए तो मुख्य भोजन है और ये हमसे ज़्यादा स्वस्थ भी रहते हैं। इसकी अच्छी बात तो ये भी है कि इनके लिए इन्हें एक पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन्हें ये अपने आसपास काफ़ी आसानी से मिल जाता है। आपको ये अमेजिंग जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।